करेंगे सबका स्वागत। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे IMEI नंबर किसी भी फ़ोन में कैसे निकालें। फ्रेंड, IMEI नंबर से आप किसी भी फ़ोन को ट्रैक कर सकते हैं, किसी भी फ़ोन को हैक कर सकते हैं। फ्रेंड, अगर आपका फ़ोन कहीं खो गया है तो फ्रेंड इस IMEI नंबर से अपना फ़ोन रिकवरी कर सकते हैं, अपना फ़ोन पा सकते हैं दोबारा। तो फ्रेंड, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि फ्रेंड इस चैनल पर इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहती है। तो फ्रेंड बढ़ते हैं वीडियो कर फ्रेंड को, और बढ़ने से पहले फ्रेंड इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि फ्रेंड आपका लाइक शेयर ही मेरे मेहनत का फल होता है। तो फ्रेंड बढ़ते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। यहाँ से आपको जो है जहाँ से आप कॉल कनेक्ट करते हैं फ्रेंड, वहाँ चलना है। फ्रेंड वहाँ चलने के बाद यहाँ से इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो फ्रेंड यहाँ से आपको डायल करना है EMI निकालने के लिए। यहाँ से डायल करना है फ्रेंड *#06#। फ्रेंड देखिए, फ़ोन का IMEI नंबर निकल चुका है। फ्रेंड इस तरह से आप किसी भी फ़ोन के IMEI नंबर निकाल सकते हैं और इस IMEI नंबर को इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड अगर आप किसी भी फ़ोन के IMEI नंबर जान गए हैं तो आप उस फ़ोन को ट्रैक कर सकते हैं, हैक कर सकते हैं। प्लस अगर वो फ़ोन कहीं खो भी जाता है तो उस फ़ोन का IMEI नंबर अगर आपको जानकारी है और उस फ़ोन में जो सिम लगा हो उस सिम का नंबर अगर मालूम है तो आप उस फ़ोन को रिकवरी कर सकते हैं अपने फ़ोन में IMEI नंबर डाल के। तो फ्रेंड उस फ़ोन को रिकवरी करने के लिए फ्रेंड IMEI नंबर कैसे यूज करें, किस तरह से जो है सो इस्तेमाल करें, तो फ्रेंड उन सारी बातों को हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसलिए फ्रेंड उस वीडियो को आप मेरे चैनल पर आकर देख लीजिएगा, आपको उस वीडियो में हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आपको बता देंगे। फ्रेंड इस तरह से जो है आप अपने फ़ोन को IMEI नंबर निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ से बैक चलेंगे। इसी वीडियो थी फ्रेंड। तो फ्रेंड अगर आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो। फ्रेंड अगर अच्छी लगी हो फ्रेंड तो प्लीज़ अपने भाई को चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि फ्रेंड इस चैनल पर इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहती हैं। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।